बहुत बार आपने अपने मॉम डैड से सुना होगा या कोई भी रिलेटिव जो किसी प्रोडक्शन कंपनी में जॉब करते हैं कि वर्कर्स ने आज कंपनी में स्ट्राइक कर दी है और उसकी वजह से आज कंपनी बंद है। तो जिस बारे में आज हम बात करने वाले हैं, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स इन HRM, ये उसी का एक छोटा सा एग्जाम्पल है। सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ जतिन फ्रॉम ग्लैड ट्यूटर डॉट कॉम और आज हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स इन HRM के बारे में। तो ये हमारी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सीरीज़ की 13th और लास्ट वीडियो है। हमने इस सीरीज़ में ह्यूमन HRM के सारे टॉपिक्स कवर करे हैं। ये BBA और BCom के लिए हमने सीरीज़ बनाई थी और MBA स्टूडेंट्स के लिए भी। तो मुझे लास्ट वीडियो में मैंने एक पोल सेक्शन डाला था जिसमें मैंने पूछा था अपने यूज़र्स से कि वो मेरी वीडियोज़ इंग्लिश और हिंदी में से किस में सुनना ज़्यादा प्रेफर करेंगे। तो बहुत लोगों का कमेंट हिंदी में आया था उसमें। तो इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी में आपको समझाऊँ। मैं आपको मेन पॉइंट्स जो होंगे वो इंग्लिश में बताऊँगा, पर उसका एक मैं हिंदी ट्रांसलेशन आपको मैं साथ के साथ करता रहूँगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज़ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स इन HRM, उसका मीनिंग डेफिनेशन, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स, कितने प्रकार की होते हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एंड देयर कॉजेज, कारण क्या होते हैं इनके, एंड द सेटलमेंट्स टू इम्प्रूव द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, कि हम कैसे डिस्प्यूट्स को ख़त्म कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग सो मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले जानते हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स होता क्या है। रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयर्स डो नॉट गो सेम ऑल द टाइम बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ रीजन्स डैट आर बिकॉज ऑफ डाइवर्जेंट व्यूज, अपोजिट स्टैंड, कॉन्ट्रास्टिंग डिमांड्स डैट करेक्टराइज लेबर मैनेजमेंट रिलेशंस। बहुत बार क्या होता है, कभी भी आप जिस कंपनी में जॉब करते हो, आपके एक हेड होता है, या आप अगर हेड हो तो आपके नीचे एक सबॉर्डिनेट होता है आपका, तो उसको हम सीनियर सबॉर्डिनेट कहते हैं। यहाँ पे हमने एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज यूज़ किया है। तो क्या होता है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन हमेशा सेम नहीं रहता है। इसके बहुत सारे रीज़न होते हैं, उनके अपोजिट स्टैंड होते हैं। कभी आप जिस आपका व्यूज़ जो है वो उसका सेम नहीं होता, आपकी डिमांड जो है वो उसकी डिमांड वो उनकी डिमांड नहीं होती। तो क्या होता है, कभी कभी हमारे उनसे व्यूज़ मैच नहीं करते हैं, जिस चीज़ पे वो स्टैंड ले रहे हैं हमें वो स्टैंड लेना अच्छा नहीं लगता, तो जिससे क्या होता है, लेबर मैनेजमेंट के रिलेशन बिगड़ते हैं। एम्प्लॉयज़ ज़्यादा जॉब चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जॉब मिले, मैनेजमेंट चाहती है कि कम से वर्कर्स को हम जितना हो सके कम करें, प्रोडक्टिविटी बढ़ाए। तो जिस वजह से क्या होता है, हमको इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स सहने पड़ते हैं और यही इसका मेन कारण है। तो आई होप आपको ये मीनिंग समझ आया होगा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स का। सो नाउ कम टू दी डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, विच डिफाइंस इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एज एनी डिस्प्यूट बिटवीन एम्प्लॉयज एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर, ड्यू टू द रीजन्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, नॉन एम्प्लॉयमेंट और विद द वर्क कंडीशन ऑफ एनी पर्सन। अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट क्या होता है, कोई भी डिस्प्यूट या तो किसी एम्प्लॉय और एम्प्लॉयज़ के बीच में ही हो रहा है, या एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर के बीच में हो रहा है, या अपने एम्प्लॉयर के साथ ही डिस्प्यूट कर रहे हैं, उसका रीज़न या एम्प्लॉयमेंट हो या अनएम्प्लॉयमेंट हो या कोई वर्क कंडीशन के ऊपर हो, उसको हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की कैटेगरी में ही इन्वॉल्व करेंगे। नाउ कम टू दी फॉर्म्स ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, क्या क्या प्रकार के डिस्प्यूट होते हैं। सबसे पहला और सबसे मेन, पहले हम इनके नाम पढ़ लेते हैं। चार फॉर्म्स होती है इसकी, स्ट्राइक्स, लॉकआउट, घेराव एंड पिकेटिंग। तो अब हम इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज स्ट्राइक। स्ट्राइक क्या होता है, स्ट्राइक मीन्स टू स्टॉप दी वर्क बाई ऑल दी वर्कर्स टू एक्सेप्ट देर डिमांड्स इन दी ऑर्गेनाइजेशन। इट इज़ मोस्टली डन बाई दी ट्रेड यूनियंस विच फाइट फॉर द वर्कर्स राइट्स। स्ट्राइक क्या होता है, सब अपना वर्कर्स क्या करते हैं, अपनी कंपनी में अपना सारा काम बंद कर देते हैं ताकि वो अपनी डिमांड लोगों से ऑर्गेनाइजेशन से एक्सेप्ट करवा सके। और एक कराता कौन है, इनके एक ट्रेड यूनियन होते हैं, जो इनके वर्कर्स की कुछ मेंबर्स होते हैं जो एक यूनियन बनाते हैं, और वो यूनियन क्या करती है, उनके वर्कर्स के राइट के लिए लड़ती है ऑर्गेनाइजेशन से। स्ट्राइक को हम अगर कैटेगराइज करें तो ये 5 टाइप्स की होती है। फर्स्ट वन इज इकोनॉमिक स्ट्राइक। इकोनॉमिक स्ट्राइक इसलिए होती है, दिस इज द काइंड ऑफ स्ट्राइक इन विच वर्कर्स एक्सेप्ट देयर डिमांड्स फॉर दी सैलरी इंक्रीजिंग इन द सैलरी, वेजेस, बोनस, रेमनरेशन। इकोनॉमिक स्ट्राइक वो होता है जिसमें वर्कर स्ट्राइक करते हैं अपनी सैलरी के लिए, स्ट्राइक करते हैं
उनकी वेजेस बढ़ सके, उनका बोनस ज़्यादा मिले। सिंपथेटिक स्ट्राइक क्या होती है? सिंपथेटिक स्ट्राइक इज़ फॉर टू एक्सप्रेस देयर सिंपथी टुवार्ड्स एनी मेंबर ऑफ द यूनियन। सिंपथेटिक स्ट्राइक क्या होती है? इसमें अगर मान लो किसी वर्कर के साथ गलत हुआ है तो सारे वर्कर्स क्या करते हैं, मिल के उस वर्कर के लिए सिंपथी दिखाते हैं कि हमारे एक वर्कर के साथ गलत किया गया, तो उसके लिए वो स्ट्राइक करते हैं। जर्नल स्ट्राइक, जर्नल स्ट्राइक क्या होता है? दिस इज द टाइप ऑफ स्ट्राइक विच इज़ डन बाई ऑल द कलेक्टिव मेम्बर्स ऑफ द यूनियन और द रीजन और द इंडस्ट्री। जर्नल स्ट्राइक क्या होती है? लाइक आप एक ऑटोमोबाइल कंपनी इंडस्ट्री में हो, होंडा में हो आप, होंडा वो अब वो गुड़गांव में है। अगर मान लो जो वर्कर्स हैं होंडा के, अब उसकी उसकी इंडस्ट्री खाली है, उसका प्लांट खाली गुड़गांव में तो होगा नहीं, पूरे ऑल ओवर इंडिया होगा। मान लो कि पूरे ऑल ओवर रीजन में स्ट्राइक चल रही है हीरो हीरो के वर्कर्स की, तो उसमें अगर आप गुड़गांव में हो तो आपको भी स्ट्राइक करनी पड़ेगी, क्योंकि पूरे रीजन जो हीरो का जो रीजन है पूरा, सब प्लांट्स में स्ट्राइक है, तो उसमें आपको भी इन्वॉल्व होना पड़ता है। इसमें कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं होता है, आपको अपने ट्रेड यूनियंस की बात माननी पड़ती है। फोर्थ नंबर ऑफ स्ट्राइक क्या होता है? सिट डाउन स्ट्राइक। इस स्ट्राइक में क्या होता है? इन दिस स्ट्राइक वर्कर्स डू नॉट लीव द वर्क प्लेस बट दे स्टॉप द वर्क। इसमें वर्कर्स क्या करते हैं, काम को छोड़ते, वर्क प्लेस को नहीं छोड़ते हैं, रहते हैं वो कंपनी के अंदर अंदर ही है, फैक्ट्री के अंदर रहते हैं, पर वो उसी जगह पे बैठ जाते हैं काम रोक कर, ताकि वो अपने एम्प्लॉयर से अपनी बात मनवा सके। स्लो डाउन स्ट्राइक, स्लो डाउन स्ट्राइक में क्या करते हैं, वर्कर्स काम नहीं रोकते हैं, वो बस अपना काम की स्पीड कम कर देते हैं। इससे वो दिखाते हैं लोगों को कि अगर हम काम कम कर देंगे तो आपको और एम्प्लॉयज़ लाने की ज़रूरत पड़ेगी, वर्कर्स लाने की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे आपको और खर्चा करना पड़ेगा, और अगर आप और खर्चा करोगे तो उससे अच्छा आप हमारी मांगे जो उन वो मांगे कर रहे हैं, उनसे डिमांड्स कर रहे हैं, वही डिमांड्स उनकी एक्सेप्ट कर देते हैं। तो ये पांच तरह के टाइप्स होते हैं स्ट्राइक्स के, आई होप आपको समझ आए होंगे। नाउ कम टू लॉकआउट्स। लॉकआउट्स क्या होता है? इट इज़ डन बाय द एम्प्लॉयर्स टू पुट द प्रेशर ऑन द वर्कर्स बाय स्टॉपिंग द वर्क। द रीज़न टू डू दिस सो दैट वर्कर्स विल स्टार्ट देयर वर्क अकॉर्डिंग टू द टर्म एंड कंडीशन ऑफ द एम्प्लॉयर्स। लॉकआउट्स उल्टा होता है स्ट्राइक्स का। स्ट्राइक्स में क्या करते हैं, एम्प्लॉयर्स वर्कर्स स्ट्राइक करते हैं एम्प्लॉयर्स के अगेंस्ट। यहाँ पे क्या होता है, एम्प्लॉयर लॉकआउट कर देते हैं वर्कर्स के लिए। इसमें क्या करते हैं, एम्प्लॉयर प्रेशर करते हैं वर्कर्स के ऊपर कि आप अपना काम अकॉर्डिंग टू द टर्म एंड कंडीशन के हिसाब से निभाइए, नहीं तो अगर आप नहीं निभाएंगे तो आपको कंपनी से हम निकाल सकते हैं। इसमें प्रेशर डालते हैं एम्प्लॉयर्स, हाई ऑफिशियल्स प्रेशर डालते हैं लॉकआउट करके कि हम काम बंद कर देंगे, काम बंद नहीं करेंगे, आपको कंपनी से बाहर निकाल देंगे और आपकी जगह पर कोई दूसरे वर्कर्स और एम्प्लॉयज़ रख लेंगे। घेराव क्या होता है? थर्ड वन इज घेराव। इन दी घेराव वर्कर्स पुट प्रेशर ऑन द एम्प्लॉयर्स टू एक्सेप्ट द डिमांड, अदरवाइज दे विल नॉट गो आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन। अगर मैं आपको घेराव का हिंदी में मतलब बताता हूँ तो उसको कहते हैं घेरना, किसी को घेरना। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं इट इज़ लाइक अ ह्यूमन बैरिकेड। इसमें क्या करते हैं, वर्कर्स कलेक्टिव वर्कर्स मिलके एक अपनी एक रिंग बना लेते हैं, हाथ पकड़ के लोग गोल रिंग बना लेते हैं, जिससे वो अपने हाई ऑफिशियल्स को कह सकते हैं घेर लेते हैं अपने एक जगह पे, और जिसमें उनको वहाँ से वो अपने ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जाने नहीं देते जब तक वो उनकी बात नहीं मान लेते हैं। पर घेराव को अगर हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में बात करते हैं तो ये इमोरल और इलीगल थिंग है। अगर इसके प्रेशर के अंडर अगर कोई एम्प्लॉयर डिसीजन लेता है तो उसको वो ट्रू नहीं माना जाएगा, वो एक लीगल नहीं माना जाएगा। इसको बाद में उस डिसीजन को बाद में नेगलेक्ट भी किया जा सकता है कंपनी की तरफ से, तो ये घेराव कहलाया जाता है। फोर्थ वन इज पिकेटिंग। पिकेटिंग क्या होता है, व्हेन एम्प्लॉयर्स डू नॉट टेक एनी एक्शन फ्रॉम द डिमांड ऑफ द वर्कर्स देन ऑल द वर्कर्स कलेक्टिवली सिट इन द फ्रंट ऑफ द फर्म गेट्स, इट इज़ नोन एज धरना। इट इज़ डन टू शो द जनरल पब्लिक व्हाट इनजस्टिस इज हैपनिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन विद द वर्कर्स। पिकेटिंग क्या होता है, आपने बहुत बार देखा होगा कि कभी कभी वर्कर्स स्ट्राइक कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कंपनी में फ़र्क नहीं पड़ रहा होता, तो एंड में जाके वर्कर्स को काम करना ही पड़ता है। तो कोई कभी कभी क्या होता है, उनकी ट्रेड यूनियन इतनी स्ट्रांग होती है वो हार नहीं मानती है, वो क्या करती है, उनको पता होता है कि कंपनी हमारी बात नहीं मानेगी, पर अगर ये बात जो वो हमारे साथ गलत कर रहे हैं, अगर ये बात बाहर की उनके कस्टमर्स को पता चलेगी, जनरल पब्लिक को पता चलेगा, तो अपने हमारी बात मान लेती है। तो इसमें क्या करते हैं वर्कर्स, अपनी उनकी कंपनी और फैक्ट्री के बाहर उनके गेट के बाहर बैठ जाते हैं और धरना लगा लेते हैं,
और पोस्टर वगैरह आपने देखे में लगा देते हैं कि किसी भी एक एम्प्लॉयर के बारे में कि हमारे साथ ये हो रहा है, हमारे साथ गलत हो रहा है, बताने लग जाते हैं। तो जिससे क्या होता है, कंपनी का नेगेटिव इम्पैक्ट बाहर की पब्लिक के ऊपर पड़ता है। तो उससे बचने के लिए ऑब्वियस सी बात है, कंपनी एक डिसीजन पे आती है जहाँ पे वो डिस्प्यूट को ख़त्म करती है। तो आई होप आपको ये चार फॉर्म समझ आए होंगे, स्ट्राइक, लॉकआउट, गहराउस एंड पिकेटिंग। नाउ कम टू द कॉजेज ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, की कारण क्या होते हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स के। फर्स्ट वन इज इकोनॉमिक कॉजेज, सबसे बड़ा कॉज यही है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का। हमेशा इसी बात पे लड़ाई होती है कंपनीज में कि इनके जो एम्प्लॉयर्स होते हैं वो उनकी सैलरीज नहीं बढ़ा रहे हैं, वेजेस दी बोनस नहीं बढ़ा रहे हैं। इसके लिए ये स्ट्राइक जो है बहुत स्टार्टिंग से, जब भी डिस्प्यूट स्टार्ट हो जाए तो इसी स्ट्राइक से हो जाए। सबसे मेन डिस्प्यूट यही है, इकोनॉमिक इश्यूज। सेकेंड वन इज़ वॉयलेंस एंड इनडिसिप्लिन। बहुत बार क्या होता है वर्कर्स और एम्प्लॉयज़ में डिस्प्यूट किस बात का होता है कि वो एक वॉयलेंस इनडिसिप्लिन में बातें करते हैं। आपने देखा देखा होगा कि कभी कभी वर्कर्स की भी गलती होती है, हमेशा ये नहीं कह सकते कि एम्प्लॉयर्स की गलती होती है, वर्कर्स भी कभी कभी गलती कर देते हैं। वो क्या करते हैं, पॉलिटिकल इश्यूज़ में घुस जाते हैं जहाँ पे उनकी कोई एंट्रेंस नहीं होनी चाहिए, वो उनको अपने काम से ध्यान देना चाहिए, पर वो नहीं, इनडिसिप्लिन करते हैं, वॉयलेंस में घुसते हैं, जिसके कारण इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होते हैं। और यही लिखा हुआ है यहाँ पे, सो मेनी टाइम द डिस्प्यूट हैपन बिटवीन द वर्कर्स एंड एम्प्लॉयज बिकॉज ऑफ एंटरिंग इनटू पॉलिटिकल इश्यूज, वॉयलेंस एंड इनडिसिप्लिन विद द वर्कर्स। सो दिस इज आल्सो द बिग कॉज ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। नाउ कम टू द थर्ड कॉज। थर्ड कॉज इज सिंपथेटिक इशूज। मैंने आपसे बात बताया था सिंपथेटिक स्ट्राइक के बारे में, ये वही इशूज, वही बात है। अगर किसी वर्कर के साथ कुछ गलत होता है तो सारे वर्कर्स मिलके सिंपथी दिखाने के लिए, उस वर्कर के लिए इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट करते हैं। फोर्थ वन इज़ एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड इश्यूज़। ये इश्यूज़ क्या होते हैं, दिस टाइप ऑफ कॉजेज इंक्लूड द अनडिजर्व पनिशमेंट, वर्बल अब्यूजमेंट। अगर मान लो किसी वर्कर के साथ ऐसी पनिशमेंट की गई है जो उस गलत उसको पनिशमेंट दी गई जिस चीज़ की जो उसने गलती करी ही नहीं थी, या उसका उसके साथ कोई वर्बल अब्यूजमेंट करी गई है, उसको गलत बोला गया है, तो उसको हम एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ में अंडर लाते हैं। और इसके इसके अगेंस्ट भी वर्कर्स बहुत स्ट्राइक करते हैं। मिसलेनियस इश्यूज अगर हम बात करें, जो अलग ही इश्यूज़ होते हैं, इसमें एक तरह के नहीं होते, बहुत तरह के इश्यूज़ होते हैं। लाइक आवर्स एंड डेज ऑफ वर्क, आपको कितने घंटे और कितने दिन काम करना है, इसके ऊपर भी बहुत प्रॉब्लम होती है कि आपको 5 डेज ऑफ वीक करना है, 6 डेज ऑफ वीक करना है। बहुत वर्कर्स कहते हैं कि हमें 5 डेज ऑफ वीक चाहिए। आवर्स की बात करें तो कोई कहता है हमें 8 घंटे चाहिए, कोई कहता है कंपनी 9 घंटे काम चाहती है, तो वर्कर्स 7 या 8 घंटे काम करना चाहते हैं। नेशनलाइजेशन कॉजेज, साइकोलॉजिकल कॉजेज, इंस्टीट्यूशनल कॉजेज, बहुत सारे कॉजेज हैं। अगर हम उसको मिसलेनियस में कवर करते हैं तो सारे वो मिसलेनियस में ही आएंगे वो। पर जो मेन कॉजेज थे वो यही थे, इकोनॉमिक कॉजेज, वॉयलेंस एंड इनडिसिप्लिन, सिंपथेटिक कॉजेज और इश्यूज, यू कैन से सेम मीनिंग है इनका, अलग कुछ नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड कॉजेज, मिसलेनियस कॉजेज। नाउ कम टू द सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, कि हम इन डिस्प्यूट को ख़त्म कैसे कर सकते हैं। इसको ख़त्म करने के 3 तरीके हैं, एक है वॉलेंट्री मेथड्स, एक है गवर्नमेंट मेथड्स, एक है स्टैटूटरी मेथड्स। पहले हम बात करेंगे वॉलेंट्री मेथड्स के बारे में। ये तीन तरह से होते हैं, स्टैंडिंग ऑर्डर्स, कलेक्टिव बार्गेनिंग एंड सॉरी नहीं, वॉलेंट्री मेथड्स में खाली दो होते हैं, स्टैंडिंग ऑर्डर्स, कलेक्टिव बार्गेनिंग। या और उसके बाद हम बात करेंगे, या उसके बाद हम स्टैटूटरी मेथड्स। सो फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट दी स्टैंडिंग वॉलंट्री मेथड्स। तो इसमें क्या होता है, पहला होता है स्टैंडिंग ऑर्डर्स। स्टैंडिंग ऑर्डर्स क्या होता है, इट इज़ ए टाइप ऑफ रूल बुक जिसमें हम सारे डिस्प्यूट्स के बारे में बात, एक रूल लिखी होते हैं, अगर उसमें कोई डिस्प्यूट होता है तो उसके रूल्स के अकॉर्डिंग हम उसको सोल्यूशन ढूंढते हैं। मेन स्टैंडिंग ऑर्डर्स का क्या ऑब्जेक्टिव होता है कि हमें पता करना होता है कि किस तरह का डिस्प्यूट है और इस डिस्प्यूट के लिए हमारे हमारे लिए हमारे पास क्या सोल्यूशन है। ये एक तरह से रूल बुक होती है, संविधान होता है डिस्प्यूट का आप कह सकते हो, जिसमें उनके डिफरेंट डिफरेंट सोल्यूशन लिखे होते हैं सेटलमेंट के डिस्प्यूट के लिए। सेकेंड वन इज कलेक्टिव बार्गेनिंग। इसमें क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ मेंबर्स नेगोशिएशन करते हैं, डैट विल कंट्रोल दी वर्क कंडीशन। आई कैन पहले आपको मैं इंग्लिश में बताता हूँ, दिस इज अनदर टाइप ऑफ सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स इन HRM। इन दिस टाइप ग्रुप्स ऑफ एम्प्लॉयज डू द नेगोशिएशन विद देयर एम्प्लॉयर टू कम टू एन एग्रीमेंट डैट विल कंट्रोल दी वर्क कंडीशंस। इट इज़ ग्रेजुअली रिप्रेजेंटेड बाई अ ट्रेड यूनियन मेंबर हु रिप्रेजेंटेड द एम्प्लॉयज। इसमें क्या होता है, एम्प्लॉयज नेगोशिएशन कैसे करते हैं,
एक ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज जो उनका ट्रेड यूनियन का मेंबर्स होते हैं, जो वो जाके नेगोशिएशन करते हैं एम्प्लॉयर के साथ। और इसमें मेनली आपको मैंने बताया ट्रेड यूनियन के मेंबर्स होते हैं जो पूरे एम्प्लॉयज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, और एक म्यूचुअली डिसीजन पे आते हैं जहाँ पे वो आके इस डिस्प्यूट को सेटल करते हैं। एक सेकेंड, इस पे मैंने आपको एक पॉइंट बताना भूल गया हूँ, मैं इसमें वॉलंटरी मेथड्स में जो मैं ऐड करना चाहूँगा, द थर्ड वन इज़ कोड ऑफ डिसिप्लिन। ये क्या होता है, इट इज़ डन टू मेंटेन द पीस इन द ऑर्गेनाइजेशन और बाय इम्प्रूविंग द एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशन। इन दिस बाय म्यूचुअली एग्रीड डिस प्रोसीजर द कंपनीज डू द सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। क्या नाम है उसका, कोड ऑफ डिसिप्लिन। कोड ऑफ डिसिप्लिन क्या होता है, हम ऑर्गेनाइजेशन में एक पीस बना कर रखते हैं, शांति बना कर रखते हैं बाय इम्प्रूविंग द एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप। ये भी एक तरह का वॉलंटरी मेथड्स है। वॉलंटरी मेथड्स होते हैं क्या, जहाँ पे आप खुद ही वॉलंटरी मिलकर बिना किसी कोर्ट के या गवर्नमेंट के इन्वॉल्वमेंट के बिना ही आप अपने डिस्प्यूट को सॉल्व करते हो। तो हमने तीन इसमें पढ़े, स्टैंडिंग ऑर्डर्स, कलेक्टिव बार्गेनिंग, कोड ऑफ डिसिप्लिन। अब बात करते हैं गवर्नमेंट मशीनरी के बारे में। गवर्नमेंट मशीनरी में दो तरह के होते हैं। इसमें अगर आप गवर्नमेंट के पास जाते हो तो इसमें आपको लेबर एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी होती है, जिसमें आप अपने केस दर्ज कर सकते हो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अकॉर्डिंग। ये दो तरीके से होती है, एक सेंट्रल एंड स्टेट लेवल पे होती है, जिसके बारे में आप फर्दर पढ़ सकते हो अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो। स्टैट्यूटरी मेथड्स क्या होते हैं, ये तीन तरह के होते हैं। इसमें ये भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंडर आते हैं। फर्स्ट वन इज कंसिलिएशन। कंसिलिएशन क्या होता है, इसमें इट इज़ ए प्रोसेस बाय विच द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द वर्कर्स एंड एम्प्लॉयर्स आर ब्रॉट बिफोर द थर्ड पार्टी और द ग्रुप ऑफ पर्सन विद ए व्यू टू परसुएड देम टू कम टू अ म्यूचुअली सेटिस्फाइंग एग्रीमेंट। ये प्रोसेस क्या होता है, इसमें जो हमने पहले बात करी थी उसके जैसा ये सेम है, ये कलेक्टिव बार्गेनिंग जैसा ही है। ये इसमें क्या होता है, एक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं तुम्हारे वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स के, जो जा एम्प्लॉयर से जाके बात करते हैं, नेगोशिएट करते हैं और एक म्यूचुअली एग्रीमेंट पे आके फाइनलाइज करते हैं डिसीजन को। आर्बिट्रेशन क्या होता है, जब कंसिलिएशन ऑफिसर जो होता है इसका वो डिस्प्यूट को सेटल नहीं कर पाता तो कंसिलिएशन ऑफिसर अपना डिस्प्यूट अदर थर्ड पार्टी को देता है, जिसका नाम होता है आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर कौन होता है, जो पार्टीज होती है ना वो उनको अपॉइंट करती है, और वो आर्बिट्रेटर क्या करता है, वो भी यही करता है, अपनी पार्टीज के व्यू पॉइंट को सुनता है और उसके हिसाब से जजमेंट देता है डिस्प्यूट के। थर्ड वन इज एडजुडिकेशन। एडजुडिकेशन क्या होता है, इट इज़ ए अल्टीमेट रेमेडी फॉर द सेटलमेंट्स ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स इन इंडिया। इट कंसिस्ट ऑफ सेटलिंग डिस्प्यूट्स थ्रू द इंटरवेंशन ऑफ थर्ड पार्टी अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। अगर आप मान लो कि हमारी यहाँ पे सेकेंड वन जो आर्बिट्रेशन है वो भी नहीं सक्सेसफुल होती सेटलमेंट करने के लिए डिस्प्यूट के, तो लास्ट एक होता है डिसीजन होता है, वो होता है एडजुडिकेशन। एडजुडिकेशन से हम अपना सेटलमेंट कर सकते हैं, और इसमें जो डिस्प्यूट सेटल करता है वो एक थर्ड पार्टी करती है जो एक गवर्नमेंट ऑफिसर अपॉइंट करता है। तीनों में एक डिफरेंस है, पहले वाले में जो हमने पढ़ा है कंसिलिएशन, इसमें थर्ड पार्टी होती है आपसी वर्कर्स और एम्प्लॉयज़ की। आर्बिट्रेशन में थर्ड पार्टी होती है एक पार्टी की, जो हमने पार्टी अपॉइंट कर रखी होती है। थर्ड जो एडजुडिकेशन है इसमें थर्ड पार्टी होती है गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट ने जो अपॉइंट कर रखा होता है थर्ड पार्टी मेंबर वो होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल ग्लैड ट्यूटर एंड टर्न ऑन द नोटिफिकेशन बार। अगर ऐसे ही आप करते रहेंगे तो हमें भी अच्छा रहेगा, और मैंने इस वीडियो के बारे में एक आर्टिकल भी लिखा है, चेकआउट माई ब्लॉग www.gladtutor.com, और मैंने उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया अपने आर्टिकल का, तो चेक करना बताना कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच।